हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों, मैं सुधीर आपके सामने ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और बताना चाहता हूँ उन सभी एस्पायरेंट्स को जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही डीपली डिप्रेस्ड हो चुके हैं। एयरफोर्स के एस्पायरेंट्स एक्स और बाई ग्रुप के लिए यहाँ रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 मंथ हो चुके हैं, अभी तक नहीं आई है। बहुत ज़्यादा गलत किया है एयरफोर्स ने, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि भाई नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं फरवरी के 2nd वीक तक हम लोग देख पाएंगे। इसमें प्लीज़ कुछ भी फेक नहीं है। एज लिमिट सर कहाँ से कंसीडर होगी? जनवरी 2002 होगी, मतलब जनवरी 2002 से कंसीडर होगी, वो 15 जनवरी भी हो सकती है। और सर क्या हम लोगों को प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए? प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। बस मैं इसलिए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एज क्राइटेरिया और एज लिमिट है बट उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या छोड़ रखी है, आपको काफ़ी गहरा सदमा लगने वाला होगा जब वैकेंसीज आएंगी, प्रिपरेशन आपकी जीरो हो चुकी होगी। प्लीज़ आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन को जारी रखिए। फरवरी के 2nd वीक तक हम कंफर्म नेक्स्ट इनटेक का नोटिफिकेशन बिल्कुल हम देख पाएंगे, मतलब न्यू वैकेंसीज आ पाएंगी। एग्जाम ऑनलाइन होगा इस बार कंफर्म, अभी ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, पहले की तरह टूर ऑफ ड्यूटी भी अप्लाई नहीं है। बस मैं आप सबसे ये बताने आया हूं कि नेक्स्ट वैकेंसीज का इंतजार मत करिएगा। जिनके पास एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया है, जनवरी 2002 से एज लिमिट कंसीडर होगी, वो प्लीज अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। बस मैं इतना कहूंगा, आप बैठकर भी कोई फायदा नहीं है, डिप्रेशन में ही जाते जा रहे हो। यदि तैयारी होगी तो आप अदर एग्जाम्स को भी दे पाओगे। तो प्लीज एयरफोर्स के एस्पायरेंट्स जो एक्स और वाई ग्रुप के लिए जिन्होंने एक बेहतर प्रिपरेशन कर रखी है पहले से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखे थे, बस आप वहां पर रिविजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। वैकेंसीज कंफर्म है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फरवरी के 2nd वीक तक हम लोग कंफर्म एक्सपेक्ट कर पाएंगे, मतलब नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। तो प्लीज आप पढ़ते रहिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा, और जो भी आपने पुराना किया है उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि आगे से पूरा बदल चुका है, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म है, ऐसा नहीं है। इनरोलमेंट और रिजल्ट आएगा, कंफर्म डेट नहीं है, बट ये कैंसिल कभी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है और ना कभी ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट इनटेक का वेट करने वाले आप भले ही एग्जाम कभी भी हो, लेकिन वैकेंसीज आए कभी भी, बट अब प्रिपरेशन होगी तभी तो एग्जाम दे पाएंगे। तो प्लीज प्रिपरेशन जारी रखिएगा, ठीक है ना। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फरवरी 2nd वीक तक हम लोग नोटिफिकेशन को देख पाएंगे कंफर्म। तो वो बच्चे जो अभी भी इस भरोसे बैठे हुए हैं कि नहीं सर अब तभी पढ़ना है जब कुछ होगा, ठीक है ना, आप पिछला जो पढ़ा हुआ है बस उसको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, मतलब रिवाइज करते रहना है, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप उसका फायदा उठा पाएंगे और आपको फिर से एक बार मतलब रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी यही इंफॉर्मेशन देनी थी। जय हिंद जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कोई कुछ बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर में पहली मोदी होगा, रियल नहीं है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का। एक्चुअली भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।